ا رَبِّي عنكم في و علي حسن بالظللاتي وهم في نور وجهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تو ہم شروع کرتے ان شاء الله रात आयत नंबर एट से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह और जो है हम जो है इसमें जो है शुरू की आयत में अल्लाह ताला गैब का सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं माँ के रहम में क्या है मेल है फीमेल है वो सब अल्लाह ताला जानते हैं तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं अला रसूलिल करीम अम्माबाद فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

वो जिंदा ज़ात है जिसको मौत नहीं आती वो कायम जो फौत नहीं होगी हम उसके हिदायत देने उसके काफी होने पर उसकी हम करते हैं और हम उसके एहसानात और उसकी मेहरबानियों पर उसका शुक्र अदा करते हैं तो हम ये थोड़ी सी तिलावत सुन लेते हैं फिर इनशाला हम शुरू करते हैं الموالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نَصِيرَهُمْ إن الله كان على كل شيء شهيدا جِي سورة الرعد ہے ہماری اور آپ کو ہے کہ رات بادلوں کا فرشتہ और ये कड़क के मानों में भी आता है और हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इस सूरत में अल्लाह ताला अपनी बहुत सी निशानियों की तरफ मुतवज्जा करते हैं और उनको उन पर गौर और फिक्र की दावत देते हैं हमारी नज़र अक़ल और फ़िक्र को इस्तेमाल करना सिखाते हैं और सी पी यू हमारा माइंड जो है इतना बड़ा होता है हम उसको ए, जो है माहरीन कहते हैं कि उसको वन टू थ्री फोर परसेंट भी हम इस्तेमाल नहीं करते ऐसी हमारे हालांकि ब्रेन में बहुत कैपेसिटी होती है तो ये कुरान ही है जो हम हमें नज़र अकल और फिकर को इस्तेमाल करना सिखाते हैं तो इस सूरत में अल्लाह ताला यही हमें सिखा रहे हैं तो चलें हम जो है हमारी आयत नंबर एट से शुरू करते हैं तेरवा पारा है इनशा ट्रांसलेशन अल्लाह अल्लाह यालमो जानता है माँ जो कुछ उठाती है हमल से हाँ, मीम लाम हमल से कुल्लू हर उनसा मादा अच्छा उनसा का उनसा तो मादा हो गई ना औरत हो गई तो मुझे कोई बताएगा कि मेल के लिए क्या आएगा मर्द के लिए क्या आएगा नर हाँ ये ये तो मादा है ना जी हाँ जी नर के लिए क्या आएगा उनसा मादा हो गई ठीक है तो उसमें भी आता है बीबी मरियम जब उनको उनके यहाँ जो है बीबी मरियम की वालदा के यहाँ जब बेटी पैदा होती है तो वहां भी ये लग आता है और वहां भी ऑपोजिट भी है कि लड़की जो है लड़के के जैसी नहीं होती चले मैंने इंड दे दी दे दी दा लई सद करा कल कर उनसा ठीक है तो उनसा मादा है और उसका फिम, उसका नर जो है उसका मेल जो है द है वमा वा, वा और माँ जो खुशतु कमी करती है रहम की जमा अल अरहाम और जो कुछ तजदु वो ज्यादा करते हैं ज़्यादा हम भी कहते हैं ना और हर शय इन चीज़ इंदु इंदा पास हो उसके इंदू उसके पास या यानी अल्लाह के पास दार या भी मकदार भी साथ मकदार एक मिदार के रमा तर्जुम अल्लाह एक 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 हामला के पेट से वाकिफ़ है जो कुछ उसमें बनता है उसे भी वो जानता है जो कुछ उसमें कमी या बेशी होती है उससे भी वो बाख़बर रहता है हर चीज़ के लिए उसके यहाँ एक मकदार मुकर है आयत की तरफ आते हैं इन शम माता आ, मादा अपने शिकम में अपने पेट में अपने रहम में जो कुछ रखती है उसे अल्लाह ताला बखूबी जानता है यानी रहम मादर में वूम में क्या है नर है या लड़का है या लड़की है प्लीज म्यूट कर दें अपने आप को उजमा जी आप म्यूट कर दें खूबसूरत या बदसूरत यानी कि माँ के वूम में क्या है लड़का है लड़की यानी नर या मादा खूबसूरत है या बदसूरत है नेक है या बदबक है आ, शक्ति है तवील है उसकी उम्र बड़ी होगी या उम्र है या छोटी उम्र होगी ये सब बातें सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है वमा तस्दादू वकुल्ला शैन इंदो भी मकदार और पेट में पेट का घटना बढ़ना भी वमा वकुल्ला शैन हिंदु मक़दार और पेट का घटना बढ़ना भी इससे मुराद हमल मुराद हमल मुद्दत है जो आमतौर तौर पर नौ महीनों नौ महीने होती है आप होता है बेबी नौ महीने में पैदा होता है लेकिन हम देखते हैं कि ये कैफियत घटती बढ़ती भी है किसी वक्त ये मुद्दत दस महीने और किसी वक्त बेबी जो है सात या आठ महीने में ही हो जाता है इसका इलम भी अल्लाह के सिवा किसी को नहीं कभी पोस्ट मेचोर हो जाता है कभी प्री मेचोर हो जाता है और जो है डेट आ जाती है तो जो है माँ कितनी परेशान होती है ना डॉक्टर के पास जाती है कि मेरी तो ये डेथ थी तो ये अल्लाह की मर्जी होती है कि अल्लाह ही उसको घटाता बढ़ाता है सब कुछ करता है हर चीज़ उसके पास एक अंदाजे से है बकुल्ला मकदार यानी किसी की जिंदगी कितनी है उसे कितना रिस्क कितना हिस्सा मिलेगा उसका पूरा अंदाजा अल्लाह को है एक मक़दार से वो सब कुछ देता है क्योंकि सब अमीर हो जाए तो भी जो बड़ी मुश्किल हो जाए सब गरीब हो जाए तो भी मुश्किल हो जाए सारे अमीर गरीब अमीर हो जाए तो फिर हमारे सदका खैराज जकात कौन लेने वाला होगा ये भी अल्लाह का फजल है कि हम सदका खैराज जकात कर सकते हैं एक वक्त आएगा कि इतना माल होगा इतना माल होगा जैसे बाल्टी में थोड़ा सा पानी रह जाए उसको उंडेल दिया जाए तो एक साथ उंडेला जाता है कि इतना माल होगा कि जक़त लेने वाला नहीं होगा कोई भी तो हम देखते हैं ये आयत हमारी है सूरतुल नुक्मान में अल्लाह ताला ने फरमाया 34 व यालमू मा फिल अरहामी माँ के पेट में जो है उसे जानता है फिर एक दूसरी आयत हम देखते हैं वो आलमू बिकुम इजा इजा इज अनशाकुम मिनल अहदी व इज अंतुम अजिनतुन फी बुतुनी उमाहातिकुम वो तुम्हें बखूबी जानता है जबके उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और जबकि तुम अपनी माँओं के पेट में बच्चे थे फिर हम देखते हैं कुछ हदीस मुबारका है इस सिलसिले की के आप सस्म फरमाते हैं कि तुम में से हर शख्स पहले अपनी माँ के पेट में चालीस दिन तक ही रखा जाता है फिर इतनी ही मुद्दत में अलका यानी खून की फिटकी बस्ता बस्ता खून बनता है फिर इतने ही अरसे में मुदगा यानी गोश का लोथड़ा फिर चार बाद अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है और उसके बारे में माँ के पेट ही में चार बातों के लिखने का हुक्म दिया जाता है क्योंकि चार माह बाद जान भी पड़ जाती है ना और जो है हामला जो है माँ होती है वो खुद महसूस करती है और जो न्यू जो न्यूली मैरिड बच्चियाँ होती हैं उनको हम पूछते हैं कि तुम्हें कोई हरकत में महसूस हुई ठीक है तो उसकी रोज़ी का उसकी मौत का उसका कि वो बदबक है या नेकत है सब वो फरिश्ते आते हैं अल्लाह ताला उसको चार बातों के लिखने का हुक्म देते हैं उसकी रोज़ी उसकी मौत उसका के वो बद वक्त है या नेक वक्त है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए हमारी रोजी जितनी हो लिखी जा चुकी है हमारी मौत जब आनी है जब वो भी लिखी जा चुकी है कहाँ आनी है किस जमीन पे चले जाएंगे बाद दफा हमारे दरमियान लोग होते हैं सफर पे जाते हैं उनकी मट्टी वहाँ पे लेके चली जाती फिर सूरत की आयत भी है वलखत खलकनसान मिन सुलत मिनतीन यकीन हमने इंसान को मट्टी के जोहर से पैदा किया सुम्मा जान नाओ फी करारी मकीन, फिर उसे नुतफा बनाकर महफूज जगह में करार दे दिया माँ के वोम में करार दे दिया सुम्मा खलक नल नुतफ़त अलक़ल अलक़ा मुदत खल मुदगता इजामन फ़कसो इजामा लाहमन तुमशा नाहरा फतफे को हमने जमा बना दिया खून के लोथड़े को गोश का टुकड़ा कर दिया फिर गोश के टुकड़े को हड्डियाँ बना दी फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया फिर दूसरी बनावट में इसको पैदा कर दिया बेहतरीन पैदा करने वाला है वालेकुम वरम अब आप देखे ये जो मरहले हैं के पहले जो है नुतफ़ा है फिर मुदगा है फिर जो है इजामा है लहम गोश बनता है ये ये चौदह सौ साल पहले अल्लाह तला ने हमें बता दिया और साइंस अब हमें बता रही है जब अबॉशन होता है तो फिर वो कैफियत भी बताते हैं कि किस एज में था जो बेबी था जो तो ये चौदह सौ साल पहले साइंस हमें अब बता रही है कि ये ये स्टेजेस होती हैं माँ के पेट में तो और ये हदीस में भी हमने देख लिया और फिर एक फरिश्ता भी आता है चार बातों को लिखता है दूसरी हदीस है सही बुखार के फिर जब अल्लाह उसे पैदा करने का इरादा करता है तो फरिश्ता पूछता ए रब यह मर्द है या ए रब यह औरत है ए रब यह बद है या नेक इसकी रोजी क्या है और मद्दत ज़िंदगी कितनी है चुनाचा उसी के मुताबिक माँ के पेट ही में सब कुछ फरिश्ते रख फरिश्ता रख लेता है तो अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने चार चीज़ों को अपने हाथ से बनाया आ, कलम दवात आदम अलैहिस्सलाम और जन्नत अदन बल्कि मुझे आपसे पूछना चाहिए था तो जन्नत यादन। तो सबसे पहले कलम बनाया और कलम को कहा कि लिख तो कलम ने कहा कि मैं क्या लिखूं तो कहा कि जो कुछ होने वाला है लिख ले तो ये सब लिखा गया है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए हाँ लेकिन बुरी तकदीर को दुआ टाल सकती है अल्लाह से हर वक्त पना मांगे बुरी तकदीर से बचने की दुआ मांगे कि क्योंकि है ना वला कदा दुआ तकदीर को सिर्फ दुआ ही बदल सकती है तो हमेशा मेरे वालिद मुझे बहुत याद आते अच्छी बातें तो याद है बड़ों की उनका पालने का स्टाइल हमें बड़ा करने का तरबियत का वालदेन का बड़ों का बुजुर्गों का कि वो कहते थे कि आप लोग जो सो खाते हो यानी कि कितनी नेमते हम खाते हैं लेकिन जो सो बोलो नहीं यानी कि कुछ भी हमारे जबान में कुछ भी आता है बोल देते हैं ना तो हर चीज़ बोलनी नहीं चाहती कबूलियत की घड़ी होती है कुछ भी कह देते हैं कभी कबूलियत की घड़ी होती है और मेरा तो ये तजर्बा है कि एक दफा मैंने एक बात कही और हो गई फिर मैं बहुत पछताई कि क्या मैंने मतलब बगैर सोचे समझे बोल देते हैं ना तो फिर आ, दीन का भी शूर आता गया तो फिर बहुत हमें जो है मैंने भी फिर बहुत एहतियात बरती तो हमें जो है जबान से भी अच्छे लफ्ज निकालना चाहिए कबूलियत की घड़ी होती है तो यह है ना वाला दुआ के कदा को दुआई बदल सकती तो हमेशा बुरी तकदीर से पना मांगे तो वो कहते थे मेरे वालिद के हमेशा बुरी तकदीर से पना मांगो तो वो दुआएं भी आ गई के सारी चीजें तो हमारे घर में ही दीन होता था वो कलम आम नहीं था व्हाट्सएप नहीं थे हदीस और आयतें भेजी नहीं जाती थी लेकिन प्रैक्टिकली वो लोग अमल था उनके बोलते भी थे और अमल भी थे करते भी ऐसा था अल्लाह तला हमें भी बामल बना दे वरना इल्म तो बग़ैर अमल के तो बेकार ही है बोझ ही है Osionfish. फिर जो है एक और हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैब की पांच कुंजें हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है हमें पता ही नहीं कि कल क्या अगले हमें क्या होगा हमें नहीं मालूम है और ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है कि हम हैरान हो जाते हैं, हैं, हैं फिर अल्लाह की कुदरत याद आती है अल्लाह के सिवा कोई नहीं, जा, नहीं जानता कि औरतों के रहम में क्या कमी बेशी होती रहती है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि बारिश कब बरसेगी कमी बेशी होती रहती है ना कभी बेबी जो है बिल्कुल वक्त पे हो जाता है कभी छह माह में हो जाता है कभी आठ माह में हो जाता है अल्लाह के सिवा कोई नहीं ही जानता कि बारिश कब बरसेगी कोई शख्स नहीं जानता कि उसकी मौत कहाँ होगी और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि क्यामत कब कायम होगी तो जो है तो ये सारी हदीसें थी तो पेट में क्या घटता इससे मुराद हमल का साकित हो जाना है हमल साकित भी हो जाता है और रहम में क्या बढ़ रहा है कैसे पूरा हो रहा है ये भी अल्लाह को बखूबी इल्म रहता है आ, कोई औरत दस महीने लेती है कोई नौ किसी का हमल घटता है किसी का बढ़ता है नौ माह से घटता गट, है नौ से बढ़ जाता है अल्लाह के इल्म में ही है अच्छा अब हम आयत नंबर नौ की तरफ आते हैं वर्ड टू वर्ड पहले तो आयत नंबर नौ आयत नंबर नौ में हम देखते हैं पहले वर्ड टू वर्ड आलिमू जानने वाला है अलग बाब व शहादती व और शहादती और हाज़िर का अलकबीरू सबसे बड़ा है मुताली या मुताल बहुत बहुत बुलंद है तो हम इसको देख लेते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं यहाँ पे कोई वो पोशिदा और जाहिर हर चीज़ का आलिम है वो बुज़ुर्ग है और हर हाल में बालातर रहने वाला है आयत की तरफ आते हैं आलिमी वो ग़ैब का पोशीदा का जानने वाला है गैब का जानने वाला पोश पोशीदा छुपी चीजों का जानने वाला है वह शहादती और ज़ाहिर चीज़ का भी उसको इल्म है अल कबीरु वो सबसे बड़ा है वो मुताली बहुत बुलंद है वो बुजुर्ग और बह हर हाल में बालातर रहने वाला है मुताल जो है ना मुताली रब की तारीफ के बेहतरीन कलमात में से है जिस तरह हम कहते हैं अल्लाह ताला, अल्लाह ताला कहते हैं ना इसी से सिफत अलमत है अब ताला कहते हैं ना ता आएन, अलिफ, लाम, या, ताला। और ला, लाम पर जो है फत्ता सगीरा, यानि खड़ी जबर होती है तो ताला तो हदीस में आता है कि बेशक अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब कलाम ये है कि बंदा कहे आप सस ने फरमायाल् तला को सबसे महबूब कलाम ये है कि बंदा कहे अल्लाह तो पाक है अपनी तारीफ के साथ तेरा नाम बाबरकत है तेरी शान बुलंद है और तेरे अलावा कोई सच्चा मबूद नहीं अल्लाह तला को सबसे नापसंदीदा बात यह लगती है कि कोई शख्स इसी दूसरे से कहे अल्लाह से डर जा तो वो कहे खुद को देख यानी कोई हमें कहे कि अल्लाह से डरो ऐसी बातें ना करो बाद दफा हम कर रहे होते कोई हमें कहता है तो हम कहते थे हाँ हाँ बस पहले अपने आप को देखो उसके ऐब हम बताना शुरू कर देते नहीं कुछ भी हो वो शख्स ऐसा भी हो अगर वो आपसे अल्लाह से डरा रहा है कोई आपने ऐसी बात निकाली ऐसा कोई अमल कर दिया तो ये नहीं कहे कि खुद को तो देखो पहले तो चार चूहे तो क्या बिल्ली चार चूहे मार के हज को चली ऐसी बातें नहीं करना चाहिए तो ये कलमा जो है सुबह नकल देखे सुबह न व भी का व तबारकम का जद्दुका ये जो है अल्लाह को बहुत पसंद है ये कलमा अल्लाह को सबसे महबूब कलाम है और ये जो है उसमें भी पढ़ते हैं सना में भी तकबीर तहरीमा नमाज के लिए खड़े होते हैं तकबीर तहरीमा लाह अकबर कहते हैं उसके बाद पढ़ते हैं सुबह न व भी हमदिका व तबारकमका वतरु तो ये सना में पढ़ते हैं सीने पे हाथ बांध कर इसमें अल्लाह के नाम के बाबरकत होने का जिक्र है अल्लाह की अज़मत की बुलंदी की भी बात है अल्लाह तो पाक है अपनी तारीफ़ के साथ तेरा नाम बड़ा ही बरकत वाला है तेरी बुजुर्गी बुलंद वर्तर है वैरो और तेरे अलावा कोई इलाह नहीं आलिबी व शहादतिल कबीर कबीरुल मुताल ठीक है अच्छा अब हम आते हैं आ, उसकी आयत नंबर दस की तरफ इन आयत नंबर टेन तो आप खुश हो जाइए कि सना में जो आप पढ़ते हैं सुबह नकलबि हमदी कहावत बाराकसम कावतः आला जदरक तो अल्लाह को बहुत महबूब है ये कल में तो आप देखें नमाज में सारी चीजें मतलब सबसे पहले तो आपकी सना ही अल्लाह को कितनी महबूब है और सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा ना सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा तो नमाज को उसके अव्वल वक्त में पढ़े कि उसका स्वाब है भी एक हदीस भी हमारी आयत के रेफरेंस में आ रही है कि फरिश्ते जो है फजर में और असर में जमा होते हैं अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं आज और गवाह बनते हैं कि ये नमा फजर में भी नमाज में था और असर में सवाउन यकसा बराबर है में मिन कुम मिन से कुम तुम, मिन कुम से तुम तुम मन जो असर रा छुपा कर करे अल्कौला बात को वमन और जो कोई जहरा ज़ाहिर करे हम कहते हैं ना सिरी नमाज जिसमें जो है इमाम साहब जो होते हैं सिर्फ तबीर तहरीमा कहते हैं रुकू में जाने के लिए अल्लाह अकबर कहते हैं अल्लाह हमीदा कहते हैं सदे में जाने के लिए और जो है आ, सना में आ, जो आयात होती है वो हम खुद पढ़ रहे होते हैं और एक जहरी होती है नमाज जिसमें जो है वो सारी तिलावत भी कर रहे होते हैं इमाम साहब तो तो कौन सी नमाज सिर है कोई बताएगा अनम्यूट करके कौन सी नमाज सिर है जिसमें इमाम साहब तिलावत नहीं करते कौन बताएगा की असर और मगरब और जी जजाक जी बिल्कुल जजाक अल्लाह खैर बारक बाराकल्लाफ इमिक माशाला बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ पढ़ना जी जी, जी जो बेजिन बहनों ने कहा बिल्कुल सही कहा बारक अल्लाफ इमिक जी तो ये नमाजें भी होती है सीरी और जहरी ठीक है और सूरत फ्फाते तो हमें जरूर पढ़ना है ठीक है जहरी में भी और दूसरी तिलावत वो जो करते हैं उसको गौर से सुनना है क्योंकि एक दफा आप ससन ने फरमाया कि मेरे लिए बहुत भारी हो गया था तुम में से कौन था जो आयते भी मैं पढ़ रहा था तो एक ने फरमाया कि मैं पढ़ रहा था तो हमें सिर्फ वैसे जो सीधी नमाज में तो उसमें तो हम पढ़ेंगे आयते ठीक है सना में अः जहरा जाहिर करे भी ही उसे वमन और, और मन जो कोई वमन और जो कोई हुआ वो मुस्तफिम छुपने वाला है बिल रातों व सारिबुन और चलने व और सारिबुन चलने वाला है बिन नहारी दिन को तो लैल का ऑपोजिट क्या है रात का ऑपोजिट क्या है आयत में देखे बताए ग्रामर बताए निहार निहार जजाक अल्लाह जी अनहार देखिये अल्लाह ताला ऑपोजिट भी ग्रह सिखा रहे हैं आपको सुबहान अल्लाह इस कलाम पे तो अल्लाह का कलाम है जाहिर है सुबहान अल्लाह चले अब रनिंग रनिंग ट्रांसलेशन रवा अनुवाद इंशाल्लाह तुम में से कोई शख्स फा जोर से बात करे या आइस्ता और कोई रात की तारीखी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो उसके लिए सब एकसा है उसके लिए सब बराबर है आयत की तरफ आते हैं इंशाल्लाह सवा उम्मिनकुम मन असरर अलकौला वमन जहरा बिही तुम में से किसी को अपनी बात को छुपा कर कहना और बा आवाज बुलंद कहना बराबर है उसका के, बा, बराबर हैमन हुआ मुस्तफिन बिली व सारि बन बिनार तो उसका उसे कहना और जो रात को छुपा हुआ हो और जो दिन में चल रहा हो सब अल्लाह पर यसां है यानी अपनी बात को हम छुपा कर कहें और जोर से कहे बुलंद आवाज कहे आहिस्ता कहे सब अल्लाह को अल्लाह के लिए सब बराबर है अल्लाह वो सब सुनता है अल्लाह तो खबीर है उसको वो सब सुनता है वो सब जानता है और जो रात को छुपा हुआ हो और जो दिन में चल पी रहा हो अब बाद लोग जो है रात में चलते हैं छुप के और सारबुन जो होता है वो चल चलने वाला दिन में तो सारिबन जो है उसको हम देख लेते हैं सारिबन जो है वसरबु सारिबुन की जमा है सरबू ठीक है तो सर्ब जो है सर्ब जो है सीन से जो बुन लफ्जा है ना सीन रा नशीब की तरफ जाने के नशीब कहते हैं नीचे की तरफ नीचे की तरफ जाने के हैं और नशीबी जगह को भी सर्ब कहते हैं कह देते हैं जैसे कुरान में सूरत काफ़ में हम पढ़ते हैं फिल बाहरी फिलबाह तो मछली ने दरिया में सुरंग की तरह अपना सराबन यानी रास्ता बना लिया तो सारे किसी रास्ते पर चला जाने वाला यहाँ जो सूरत में हम पढ़े वमन हुआ मुस्तफिन बिल्लेली सारिबुन या रात को कहीं छुप जाए या दिन की रोशनी में खुल्लम खुल्ला चले फिरे सार, ये सब सारिब के माने में आता है सारिब की जमाए अब जैसे सांप अपने बिल में छुप जाते हैं और कुछ जानवर जो होते हैं वो भी छुप जाते हैं सर्दी गर्मी से किसी ग़ार में पहाड़ के गार में छुप जाते हैं कोई इंसान भी चल रहे होते हैं जंगल में इधर उधर आ, तो क्या करते हैं गार में चले जाते हैं अंदर चले जाते हैं चूहा अपने बिल में चले जाता चला जाता है तो रात में कोई चले या दिन में चले या कोई काम छुपा के करे या तो बुलंद आवाज कहे छुपके अल्लाह ताला के लिए सब बराबर है हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला सब जानते हैं सब सुनते हैं वो तो कबीर है वो बहुत बारीकबीन है अब आयत नंबर ग्यारह इनशाला वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लहू उसके लिए है मुक्बात पहरेदार हैं मिम बी यदही मिन से बीना बीनी यदही उसके सामने यद कहते हैं यद का क्या मायने यदुन यदुन यद हाथ हाथा कल है तो आप हमेशा देख जी हाथ तो अल्लाह ताला जब ये हाथ बहना यदे कहते हैं ना कि तो इसका मतलब आप देखें आपके लफ्जी तर्जुमे भी है कि उसके सामने है तो हमारे हाथ में जो कुछ चीज होती है हमारे सामने होती है ना तो इसलिए हमेशा आप देखेंगीम यदही यदही उसके सामने तो यदही दो हाथ दो हाथ ठीक है तो उसके लिए पेरादार है उसके सामने से ठीक है तो मतलब होता है सामने वमिन ही और उसके पीछे से यह फजू नहु या फजू जो हिफाजत करते हैं या, या फजू ना जो हिफाजत करते इंसानों की या फजू हो जो हिफाजत करते हैं इंसानों की यानी फ़रिश्ते मिन हुम से अल्लाही अल्लाह के इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ला युग यु नहीं ला नहीं युग तब्दील करता माँ जो भी इन किसी कौम में से हथ ता यहाँ तक के युगरु वो बदल दे अः माँ उसको जो भी अनफु उनके दिलों में अनफुस नफ्स की जमा नफस उनकी जमा हिम उनके जमीर है बेनफुसम उनके दिलों में वईजा और जब अरादा, इरादा करता है अल्लाह अल्लाह फला फ तो ला नहीं फला तो नहीं मरदा कोई फेरने वाला लहू उसे बमा और नहीं लहुम्ला उनके लहुम उनके लिए मिंदू नहीं उसके सिवा कोई मददगार हाँ हामी या मददगार वली भी इसी से होता है ना चले अब उसकी तरफ आते हैं हर शख्स के आगे और पीछे <coughs> 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 उसके मुकर किए हुए निगरा लगे हुए हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के <coughs> मैं पानी पी हूँ बिस्मिल्लाह हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदल देती और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती ना अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम, ऐसी कौम का कोई मद, हामी व मददगार हो सकता है आयत की तरफ आते हैं इन शहू मी यही ममिन खलफे यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मिन अमरिल्ला के अल्लाह के हुक्म से आ, इसके पहरेदार किसके पहरेदार लहू मौक़बात उसके लिए पहरेदार हैं उसके पहरेदार तो पहरेदार मौक़बात 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 की जमा है एक दूसरे के पीछे आने वाले मुराद फरिश्ते हैं जो बारी बारी एक दूसरे के बाद आते हैं दिन के फरिश्ते जाते हैं तो शाम के आ जाते हैं शाम के जाते हैं तो दिन के आ जाते हैं इसको मकबात कहा है अल्लाह ताला ने फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत में कि इंसान के आगे पीछे मुकर हैं अल्लाह के हुक्म से उसकी निगरबानी करते हैं किसी कौम की हालत अल्लाह ताला नहीं बदलता जब तक कि वो खुद उसे ना बदलें जो उनके दिलों में है अल्लाह जब किसी कौम की सज़ा का इरादा कर लेता है तो बदला नहीं करता और सिवाय उसके कोई भी उनका कारसाज नहीं है यानी अल्लाह ताला हम तो अनफ़ाल की आर 53 में यही बताया कौम की हालत बदलने को अल्लाह तेनयकु मुग़िर नगरु माबीअम समीम ये इसलिए कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि किसी कौम पर कोई नेमत इनाम फरमाकर फिर बदल दे जब तक कि वो खुद अपनी इस हालत को तो ना बदल दे जो कि उनकी अपनी थी और ये कि अल्लाह सुनने और जानने वाला है तो जब तक कोई कौम अपने आप को ना बदले अल्लाह भी उसको नहीं बदले हमें भी कोशिश करनी होती है हमें बदलने के लिए अब ये जो था ना मौकबात मौक, मौ, उसकी जमा उसकी वाहिद मोखब के एक दूसरे के पीछे आने वाले मुराद फरिश्ते हैं जो बारी बारी एक दूसरे के बाद आते हैं दिन के फरिश्ते जाते हैं तो शाम के आते हैं शाम के जाते हैं तो दिन के आ जाते हैं तो जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे किसी काम के वक्त हम इधर उधर नहीं होते कोई ज़र्रा हमारी मालूम से ख़ारिज नहीं अल्लाह के फरिश्ते बतौर निगबान चौकीदार जो होते हैं अल्लाह के फरिश्ते बतौर निगहबान और चौकीदार के बंदों के इर्द गिर्द मुकर हैं जो उन्हें आफतों से तकलीफ़ों से बचाते रहते हैं जैसे कि आमाल पर निगेबान फरिश्तों की जमात जो बारी बारी पे दर पे आते जाते रहते हैं रात के अलग दिन के अलग और जैसे कि दो फरिश्ते इंसान के दाएं बाएं आमाल लिखने पर मुकरर है दाएं वाला निकिया लिखता है बाएं जानी वाला बदियाँ लिखता है इस तरह दो फरिश्ते उसके आगे पीछे हैं जो उसकी हिफाजत और हिरासत करते रहते हैं पर हर पस हर इंसान हर वक्त चार फरिश्तों में रहता है दो कातिब दाएं बाएं जो दो कातिब है हमारे दाएं बाएं कंधों पे उन्हें क्या कहते हैं जी कोई बताएगा उनका नकीर कितन जैसा है जैसा वो कबर में आएंगे बिल्कुल सही ठीक है तो देखे इतने सारे फरिश्ते हमारे साथ हैं हम क्यों डर रहे होते क्यों घबरा रहे होते बस हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें हर वक्त अच्छी नमाजें करें नमाजों में सूरतें बड़ी बड़ी याद करें अब तो बुढ़ापा है और वैसे भी बुढ़ापा ना भी हो बिजी भी हो तो टाइम अगर निकालेंगे अच्छी नमाजों के लिए तो ये वही वही है योम यकोमनासल रबीआलमीन वो ह, हशर का रोज जहा म्यूट कर दें प्लीज तो ये जो जब भी आप नमाज के लिए खड़े हो कहें वो मैं तो उस दिन जब अल्लाह के पास खड़ी होंगी जब वहा मेरा क्याम होगा मैं उस दिन के लिए खड़ी होंगी उस दिन की तैयारी कर फौरन कहें कहे योमा यकुम्नासल रबालमीन जिस दिन लोग रबालमीन के लिए खड़े होंगे तो अपनी नमाजों को मैं और आप ऐसी कर लें कि अल्लाह ये तो वो खड़ा होना है मैं नमाज में ऐसे खड़ी होती हूँ ऐसी याद जैसे मुझे अशर के रोज खड़ा होना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक रोना आएगा नमाज में खुश हुआ आएगा, और आप बड़ी बड़ी आयतें याद सूरतें आयतें याद कर लें मैं नहीं कहती हूँ कि एक साथ अब दो दो तीन तीन चार चार आयतें करके भी हो जाती है आप तजर्बा तो करके देखें पहले तो अम्मा अम्मा के पारे को भूल गए सब याद है सबको अम्मा का पारा पूरा याद फिर उसको देखें कि मैं क्या भूल गई तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है सुबह शाम के असकार हो नमाजें हो हर वक्त की दुआ उठना बैठना सोना जागना तो हर वक्त अल्लाह की हिफाजत में इतने फरिश्ते हमारे साथ हैं दो कातिब दाएं बाएं जो दो निगहबानी करने वाले आगे पीछे फिर रात के अलग दिन के अलग चुनाचे हदीस में है कि तुम में फरिश्तेल तरमाते हैं कि पे दर पे जो है तुम में फरिश्ते आते जाते रहते हैं रात के और दिन के उनका अभी आप हदीस देख लेते हैं कि आप ससम ने फरमाया रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वालों और रखसत पाने वालों का इज्तमा होता है फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है कि मेरे बंदों को तुमने किस साल में छोड़ा वो जवाब देते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे तो प्यारी बहनों फरिश्ते फजर की नमाज में आते हैं तो जो पिछले फरिश्ते होते हैं वो रुसत हो जाते हैं फजर की नमाज के वाले आ जाते हैं तो वो जो पिछले फरिश्ते हैं जाके कहते हैं वो तो फजर की नमाज पढ़ रहा था फिर जब असर होती है तो फजर वाले जाने लगते हैं तो उनका जम, इजमा हो जाता है वो जमा होते हैं तो फिर वो वो कहते हैं कि आपकी साल में उनको पाया तो कहते हैं वो असर की नमाज पढ़ रहे थे तो फजर और असर में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती है उनका इजमा होता है एक जमात जाती है दूसरी आती है तो वो गवाह बनते हैं फजर वो वाले कहते हैं कि वो फजर में उनकी नमाज पढ़ रहा था दूसरे कहते हैं जो दूसरी जमात होती कि वो असर की नमाज पढ़ रहा था तो अव्वल वक्तों में नमाजें पढ़े फजर और असर भी तो देखें तो क्या होता है फिर इस तरह पूरे नमाजों की हमारी गवाही हो जाती है फरिश्ते जाके अल्लाह तला तो जानते फिर भी पूछते हैं फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया जाम तिरमिजी तुम लोग नंगे होने से बचो क्योंकि तुम्हारे साथ वो फरिश्ते होते हैं जो तुमसे खुदा तु, जो तुमसे जुदा नहीं होते तो वो तो सिर्फ उस वक्त जुदा होते हैं जब आदमी पखाना जाता है या अपनी बीवी के पास जाकर उसे हम बिस्तर होता है इसलिए तुम उन फरिश्तों से शर्म खाओ और उनकी इज्जत करो तो जब बाथरूम में हम जाते हैं तो कभी भी बात ना करें क्योंकि तो हर वक्त लिख रहे होते हैं ना हमारे अमल तो उनको तकलीफ होती है और जब जरूरत हो कपड़े चेंज करना है नहाना है वैसे जो है यह इंसान जो है बढ़ना भी ना हो वैसे तो हम होते भी नहीं है फिर भी बढ़ाना भी ना हो चले वो जख्म देखना है कोई चीज है कोई हमें तकलीफ हो रही है हमें लेडी डॉक्टर को बताना होता है कि फला जगह से उसको दबा के देखना तो देखे वो तो फिर एक अलग बात है ना तो आ, इस तो फरिश्तों और कब जुदा होते हैं जब हम बाथरूम में होते हैं हमसे जुदा होते हैं क्योंकि वो वह बसा वल़बाइश है उसके लिए दुआ पड़े अल्लाइन वाल ख़बाई से दरवाजा बाथरूम का खोलने से पहले क्योंकि बाथरूम में कुछ भी नहीं पड़ा जाएगा और जब हजबैंड एंड वाइफ का रिलेशन होता है उस वक्त वो हमसे जुदा होते हैं तो इसलिए तुम उन फरिश्तों से शर्म खाओ और उनकी इज्जत करो अब

और उम्मीद से वयुन शियू और वो उठाता है असहाबा अस बादल अस बोझल तो अब आते हैं नवा तर्जुमा इनशाला रनिंग ट्रांसेशन वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे वो भी लाख होते हैं और उम्मीदें भी बनती है वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है तो आयत की तरफ आते हैं उल लजी यूरी उमलबरक़ा खौफन व तमान वो अल्लाह ही है जो तुम्हें बिजली की चमक डराने और उम्मीद दिलाने के लिए दिखाता है मतलब ये है कि जिससे रागी मुसाफिर डरते हैं और घरों में मुकम किसान और काशकार उसकी बरक़त और मुनफाद की उम्मीद रखते हैं जब बारिश होती है तो किसान और काशकार जो फार्मर्स जो होते हैं उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि ये खेत खलीन बखूबरे भरे होंगे खेती उगेगी गला उगेगा अनाज होगा खुद भी खाएंगे और जो है उसको बाजार में मंडी में भी देखेंगे तो बेचेंगे तो फ़ायदा होगा और उससे डर भी लगता है मुसाफिरों को भी जो मुसाफिर होते हैं वो डरते हैं कि बिजली की कड़क हम पे ना गिर जाए कोई दर दरख्त भी गिर पड़ते हैं चीज़ें भी गिर पड़ती हैं तो डर भी होता है खौफ भी होता है और फिर अल्लाह ताला वो साहा बस से खाला और भारी बादलों को पैदा करता है भारी बादलों से मुराद वो बादल हैं जिसमें बारिश का पानी होता है आपको पता है ना ये सारा आपको वाटर साइकिल तो पता ही है कि ये सब वाटर वेपर्स बन के ऊपर जाता है फिर वो जो है बादलों में वो पानी जमा होता है और वो बादल भारी हो जाते हैं और वो बारिश का पानी हो, उसमें बन जाता है वो बादल वो सहाब उस सिकाल साहब बादल और सिकाल भारी उससे इससे मुराद वो बादल है जिसमें बारिश का पानी होता है साइंस भी ये वाटर साइकिल हमें आज बता रही है अल्लाह ताला ने पहले बता दिया अब आयत नंबर थर्टीन इनशा तेरा वर्ड टू ट्रांसलेशन वह यूसब बिहू व और यूसब बिहू तस्वीर करती है अरादू अर कड़क भी हम दही बी सात हमद हमदी तारीफ ही उसकी भी हमदी साथ उसकी तारीफ के वल मलाइकतु व और अल मलाइकतु फरिश्ते मिन खीफती मिन से खीफा खौफ ही उसके मिन खीफती उसके खौफ से व युर सिलु व और युर सिलु व भेजता है अल्लाह असवाइका कड़कती बिजलियों को सायका की जमा फयुसीबू फिर युसी बू वो पहुंचाता है फ युसी बू फिर वो पहुंचाता है बिहा उन्हें माई यशाऊ मन जिस पर यशाओ चाहता है वह हुम व हालांकि हम वो वह हालांकि वो युजा दिलुना वो झगड़ रहे होते हैं, जदल जीम दा दाला जदल झगड़ा ये ये झगड़े पे पूरा हमारा एक लेक्चर है यूट्यूब पे है वो पूरा लेक्चर है युजा दिलुना वो झगड़ रहे होते हैं फिल्ला अल्लाह के बारे में वह हुआ और वो शदीदु सख्त कुवत वाला है शदीदालमहाल सख्त कुवत वाला है तो हम रनिंग ट्रांसलेशन आयत थर्टीन रवा तर्जुमा बादल की गरज उसकी हम के साथ उसकी पाकी बयान करती है फरिश्ते उसकी हैबत से लरसते हुए उसकी तस्बी करते हैं वो कड़कती हुई को भेजता है और बसा औकात उन्हें जिस पर चाहता है एन इस हालत में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं फिलवा उसकी चाल बड़ी जबरदस्त है शदीदुल आयत की तरफ आते हैं इन शायद की तरफ आते हैं आ, वही सब बेहरादू बेहमदेही वलमला इकतु मिनखी फतेहही गरज उसकी तस्वी और तारीफ़ करती है और फरिश्ते भी उसके खौफ से तो हम देखते हैं कि गरज जो होती है वो भी उसकी तस्वीर और तारीफ़ करती है अल्लाह ताला की तस्वीर करती है तारीफ़ करती है सुबह अल्लाह वल्हमदिल्ला और फ़रिश्ते भी उसके खौफ से उसकी तारीफ़ और तस्वी करते हैं फ़रिश्तों की तो तस्वी है सुबह अल्लाह व बिहमदही वो तो हर वक्त तस्वीर कर रहे होते हैं हर वक्त सदे में होते हैं तो और दूसरे दूसरी जगह भी यही बात अल्लाह ने फरमाई है कि बनी आयत हर सातों आसमानों जमीन में जो भी उनमें उसकी तस्वीर करें ऐसी कोई चीज नहीं जो उसे पाकिजगी और तारीख के साथ याद ना करती हो आ, हाँ ये सही है कि तुम उसकी तस्वीर समझ नहीं सकते वो बड़ा बुढ़बा और बख्शने वाला है तो हर चीज उसकी तस्वीर करी दर पत्ते पहाड़ जमीन आसमान फरिश्ते गरज हर हर चीज उसकी तस्वीर करी मगर हम जो है वला विल्ला यूना तस्वी हम हम उनकी तस्वीर को समझते नहीं है फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वही है वही आसमान से बिजलियां गिराता है जिस पर चाहता है उस पर डाल देता है आज की तरफ आते हैं कि वयूर फयूस फयूसी बुबिया मैशा के, के वही है आसमान से बिजलियां गिराता है जिस पर चाहता है इसको डाल देता है यानी उसके जरिए जिसको चाहता है हलाक कर देता है और हम सुनते हैं कि बिजली गिरी दरक गिर गया किसी पर गिर गया आ, उसका बिजली का खम्बा जो है पिलर्स जो होते रास्ते में जो हुकूमत के लगाए होते वो गिर गया तो ये अल्लाह की तरफ से होता है कि और हम कहते हैं वो क्यों गया वहां से जाने की क्या जरूरत थी मैंने तो कहा था कि बारिश में नहीं जाना भाई वो लिखा हुआ था अभी आपने पढ़ा कि गैब की कुंजिया पांच है उसका इन सिर्फ अल्लाह को है तो हम जो है हाय करते हैं वो करना नहीं चाहिए वल कदरी खैरी व शरी मौत की अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है और मौत के बाद उठाए जाने पर मेरा ईमान और फिर आगे अल्लाह तला फरमाता है फरमाते हैं आयत में हम देखते हैं फिल्लाई वह के अल्लाह फरमाते हैं कि नाल के मानी क़त मुआवजा और तदब्बीर वगैरह किए गए यानी वो बड़ी क़वत वाला नहायत मुआवज़ा करने वाला और तदबीर करने वाला है कुफ़ार अल्लाह की बाबत जब झगड़ रहे होते हैं तो अल्लाह ताला सख्त क़वत वाला है और यानि वो नहायत उनको उनको पकड़ने वाला है और तदबीर करने वाला है फिर हम यहाँ देखते हैं हदीस है इस आयत के मुतल आपने फरमाया रात एक फरिश्ता है जो बादलों का निगरान है मैंने आयत के शुरू में भी बताया था इसके हाथों में सिलसिला सैया की हदीस है उसके हाथों में या उसके हाथ में आग का एक कोड़ा है जिससे वह बादलों को झिड़कता है और वो आवाज जो सुनी जाती है वो उसका बादलों को डांटना है जो हमें आवाज आती है ना वो बादलों का डांट बादलों को डांटता है ये रात जो है फरिश्ता जो है हती के वो बादल को डांटता हुआ मुक्रा जगह पर ले जाता है सुबह अल्लाह तो आप सच ने फरमाया रात फरिश्तों में से एक फरिश्ता है जिसके जिम्मे बादलों के मामलाते हैं उसके हाथों में आग की तलवार या कोड़ा होता है जिससे वो बादलों को अल्लाह की मशीत के मुताबिक हाँकता है वो कहने लगे तो फिर आप सबा कराम तो फिर ये आवाज़ जो हम सुनते हैं किसकी है तो आप सच ने फरमाया ये उसकी डांट है जब बादलों को वो डांटता है यहाँ तक कि वो वहाँ पहुंच जाए जहाँ अल्लाह ने इन बादलों को पहुंचाने का हुक्म दिया होता है तो जहाँ अल्लाह चाहता है ये बादलों को पहुंचाता है और बारिश बरसती है यानी कुछ बादलों को हम देखते हैं कि चलते रहते हैं नरम नरम खुद ही लेकिन जब कहीं बारिश बरसानी होती है या किसी खास जगह पर उनको इकट्ठा करना होता है तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर कर रखे जो डांट पुटकार कर उनको ले जाते हैं और वाजिराती जजरा भी आता है कुरान पाक में फरिश्तों की सिफात में कि जो डांटने वाले हैं वह जिराती जजरा बादलों की कड़क की सूरत में जो आवाज़ हमें सुनाई देती है दरअसल एक तरह से डांट है ये और उस वक्त की दुआ भी है वो क्या है किसी को आती है दुआ बताएं क्या है जब ये दौा, इसकी दुआ भी है चले हम देखते हैं स्क्रीन पर सब बेहू ही वो अल्लाह की हम के साथ तस्बी कर रहा है वलमलाई को तुम मन देखिये बहुत सारा हिस्सा इस आयत से ही लिया गया और बाकी फरिश्ते भी उसके खौफ से उसकी तस्वीर करते हैं क्योंकि फरिश्ते अल्लाह को हमसे बहरहाल ज़्यादा जानते हैं और जो जितना जानता है वो उतना ही डरता है वयूर सलुसवा फुसीबू बिहा मई यशाओ वहम ठीक है और वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बसा अवकात उन्हें जिस पर चाहता है एनी साल में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं फयूसी बुबिया फूसी मैम फिल्लाई वाह फिल, फिल वाक अल्लाह की चाल बड़ी जबरदस्त है और ये हकीकत भी है तो हम ये दुआ को पढ़ लेते हैं दोबारा से घर की आवाज सुनकर पढ़ने की दुआ सुबहानजी सब बहर रा फते पाक है वो जात की गरज उसकी हम के साथ उसकी है, उसकी उसकी पाकी बयान करते हैं और उसकी हैबत से तस्बी करते हैं ठीक है और ये हकीकत है।, है।, है कि उसके बारे में एक वाक़ा भी मिलता है फिर एक और दुआ देख लेंगे पहले हम वाक कर लेते हैं कि वाक़ी वो लरजते हैं बिजलिया भी जो है और फरिश्ते भी एक मरतबा आप ससम ने एक शख्स को मुशरकिन के सरदारों में से एक सरदार के पास भेजा कि अल्लाह तला की तरफ उसको जाकर दावत दो तो मुशरक ने कहा उस आदमी को एक सस ने आप एक सहाबी को भेजा मुशरक की तरफ कि उसको अल्लाह की तरफ बुलाओ दावत दो तो मुशरक ने कहा कि ये जिसकी तरफ आप मुझको दावत दे रहे हैं वो सोने का बना हुआ है या चांदी का वो वो सफी जिसको आप ससम ने भेजा था वो वापस आ गया और कहा कि वो शख्स मुझको ऐसा कहता है आप सल ने फरमाया कि वो दोबारा जाओ वापस जाओ यानी उस वापस भेजा उस सबी को उस सफीर को उस मश्र के पास जब वो वापस गया तो उसने फिर वही बात कही कि वो किसके बना हुआ है तुम जिसकी दावत दे रहे हो वो सोने का बना हुआ है चांदी का कि अच्छा जिसकी इबादत के लिए तुम मुझे कहते हो वो सोने का बना हुआ है चांदी का तो फिर वो नबी नबीम के पास वापस आ गया फिर आप ने वैसे ही कहा तो इतनी देर में अल्लाह सबा तला ने आसमान से बिजली का कड़का भेजा और उस शख्स को जो अल्लाह के बारे में बातें बना रहा था उसको हलाक कर दिया तो अल्लाह जिस पर चाहता है बिजली की कड़क भेज देता है कड़का और उसको हलाक कर दिया तो वो सफीर रास्ते में था और नहीं जानता था कि जब आप आप सरस ने तो उसको उस आदमी के बाद दोबारा तबारा भेजा था तो वो सफी रास्ते में था और नहीं जानता था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटेगा तो उसका हाल क्या होगा नबी सर ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह ने तेरे जाने के बाद उस शख्स को हिला कर दिया अल्लाह अल्लास तआला ने इस वाक़े के बाद ये आयत उतारी और ये इसका शान नजूल है कि वो मुशरिक ने ऐसी बातें की थी फिर नबी ने इस हदीस को बयान करके ये आयत पढ़ी जो आज का हमारा सबक है तो एक और हम आ, आ, देख लेते हैं आ, आ, दुआ ठंडर की आंधी के वक्त आने की दुआ जब हम दुआ पढ़ी रहे हैं तो और भी देख लेते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी इमी असअलुका खैरा व खीरा माफी हा वीरा माँ मा उर्सिलत भी वउ का मिन शर्री हा वशर्री माफी हा वशर्री मा उसिलत भी अल्लाह मैं आपसे इसकी खैर और जो इसमें है और जिसके साथ भेजी गई है बेहतरी का सवाल करता हूँ और उसकी बुराई और जो कुछ उसमें है और जिसके साथ भेजी गई है उससे पनाह मांगता हूँ क्योंकि दुआ बुरी तकदीर को टाल देती तो आंधी के वक्त की दुआ है क्योंकि एक कौम थी आपको मालूम है ना जिन कौमों पर अजाबा बारिश आई तो उन्होंने समझा कि अब तो खेत खलियन बहुत उगेंगे खूब हम फूलेंगे फलेंगे रिस्क भी आएगा और मंडी में भी बेचेंगे तो वो उनके लिए अजाब था और पूरी कौम जो है तबाह हो गई तो दोबारा से घर गर, गरज की आ, भी आवाज भी, आ, दुआ भी पढ़ लेते हैं जो आज के हमारे आयत में सी है उसमें से ज्यादा वर्ड सुबह अल युसबाह हमद ही वीनखी फतेहही पाक है वो जात बादलों की गरज उसकी हम के साथ उसकी पाकि बयान करती फरिश्ते उसकी हैबत से लजते हुए तस्बी करते ये बादलों की गरज भी उसकी पाकि बयान करती है उसकी हम भी सुबह लाभी और हम उसकी तारीफ भी उसकी हैबत से और फरिश्ते है। तो हैं, हैं अल्लाह तलासर से फरमाया जिस हिदायत और मुझे मबूस फरमाया उसकी मिसाल बारिश की तरह है जो जमीन पर बरसी हदीस है जमीन के किस्से को तो पानी को कबूल किया और पानी को कबूल किया घास चारा बकसद उगाया बाज जमीन जािब थी उसने पानी को रोक लिया बस अल्लाह ने उससे भी लोगों को नफा पहुंचाया पानी उनके पीने को पिलाने के खेत के काम आया और जो टुकड़ा जमीन का संगलाक संखल, और सख्त था ना उसमें पानी ठहरा ना वहाँ कुछ पैदा हुआ बस ये उसकी मिसाल है जिसने दीन में समझ हासिल की और मेरी बोसत से अल्लाह ने उसे फ़ायदा पहुंचाया उसने खुद इल्म सीखा दूसरों को सिखाया और मिसाल है उसकी जिसने उस सर भी ना उठाया ना अल्लाह की वो हिदायत कबूल की जिसके साथ में भेजा गया हूँ देखेगा बस वो संगलाक जमीन के मिसल है, मिसल है चले आगे फिर हम आयत नंबर फोर्टीन करके एंड करेंगे इनशाला लहू आयत नंबर फोरटीन लहू उसको दावत लहू उसकी उसी के लिए है दावतों अलहकी बरह वजीना और जुने यदूना वो पुकारते हैं मंदून ही इसके सिवा ला यस ला नहीं यजीबूना वो जवाब देते उनको इन भी मगर क मानिन बासिती फैलाने वाले के कबासिती मानिन फैलाने वाले के कफ ही कफ दोनों हथेलिया ही अपनी कफई जो है है दोनों इलमाई इला तरफ अलमाई पानी के तरफ पानी के ली अब लु ली या बुलुगा वो पहुंचे फाहु फा, फा मुँह उसके फाहु उसके मुँह को व और माँ नहीं व माँ और नहीं हुआ वो बिबा बिबालिगी पहुंचने वाला ही उसे बिबालिगी ही पहुंचने वाला उसे वमा और नहीं दुआ वो दुआ अलकाफरीन काफरों की इल्ला मगर फी दलालिन गुमराही में तो रनिंग ट्रांसलेशन इंशाल्लाह आयत नंबर फोर्टीन इसी को पुकारना भरक है रही वो दूसरी हस्सियाँ जिन्हें उसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकती उन्हें पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर उससे दरख्वास्त करे कि तू मेरे मुँह तक पहुँच जा हालांकि पानी उस तक पहुँचने वाला नहीं बस इसी तरह काफरों की दुआएं भी कुछ नहीं है मगर एक तीर तीरे बेहदफ है तो आयत की तरफ आते हैं इंशाल्लाह आयत को देख लेते हैं तो लहू 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 हक उसी को पुकारना हक है यानी खौफ और उम्मीद के बाद उसी एक अल्लाह को पुकारना सही है क्योंकि वही हर एक की पुकार सुनता है और कबूल फरमाता है या इसका मतलब दावत है यानी इबादत के मानी में यानी उसी की इबादत हक है और सही है उसके सिवा कोई इबादत का मुस्क नहीं क्योंकि कायनात का खालिक मालिक मदबिक सिर्फ वही है

के आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लीना यद ऊना मिंदूनी ही ला यजीब लहुम बिशे इन अल्लाह कबासिति कफ इलमाही लियब लुगा फाहू आ, तो अल्लाह ताला, ताला फरमाते हैं कि अच्छा उसके जो लोग औरों को उसके सिवा पुकारते हैं वो उनकी पिका पुकार का कुछ भी जवाब नहीं देते मगर जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हो कि इसके मुंह में पड़ जाए हालांकि पानी उसके मुंह में पहुंचने वाला नहीं हाथ फैला के तो पानी नहीं पहुंचेगा कोशिश करनी पड़ेगी जाके भरना पड़ेगा तो किसी डोल में या हथेली में कहीं भी तो पहुंचेगा तो जो दूसरों को पुकारता है उसकी मिसाल ऐसे ही है कि हाथ फैलाए और पानी की तरफ और कहे कि पानी उसके मुंह में पड़ जाए वो तो नहीं पड़ेगा पहले तो कलमा पढ़ना होगा अल्लाह के पैगाम को सुनना होगा मानना होगा यानी जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मदद के लिए पुकारते हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स दूर से पानी की तरफ अपनी दो हथेलियां कफ़ई ये फैलाकर पानी से कहे कि मेरे मुंह तक आ जा, जाहिर बात है कि पानी जामित चीज है उसे पता ही नहीं कि अथेरियाँ फैलने वाले की हाजत क्या है ना उसे पता है कि वो मुझसे अपने मुँह तक पहुँचने का मुतालबा कर रहा है और ना ही उस पानी में ये कुदरत है कि अपनी जगह से हरकत करके उसके हाथ या मुँह तक पहुँच जाए इसी तरह ये मुशरक़ अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें ना ये पता है कि कोई उन्हें पुकार रहा है और उसकी फलाह हाजत है और ना उस हाजत रही की उनमें कुदरत है तो यही चीज़ अल्लाह तला फरमा रहे हैं फिर आगे अल्लाह ताली फरमा रहे हैं कि वमा हुआ ही वमा दुआ उल बिकाफीना अल्ला दलाल के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन मुनकिरों की जितनी पुकार है सब गुमराही में है यानी बेफायदा भी है कोई फ़ायदा नहीं है बेल्ला को पुकारने का क्योंकि इससे उनको कई कोई कई नफ़ा नहीं होगा कोई नफ़ा नहीं पहुंचेगा वो कुछ कर ही नहीं सकते वो इस पर कुदरत ही नहीं रखते फिर हम जो एक बस और एक और आयत कर लेते हैं फिर फिनिश करते हैं पंद्रह करके फिनिश वली और क्योंकि शॉर्ट है इसकी तफसीर और अल्लाह के लिए बात छुट्टियां भी फिर बहुत हो जाती है वाली लागी और अल्लाह के लिए यजदू सजदा करता है मन जो कोई फिर आसमानों में है समा की जमा अर्दी और जमीन में तोन खुशी से व करहन और नाखुशी से व दिल हम व और दिल उनके व दिलाल हम और साए उनके बिलगदूवी सुबह व आसाल और शाम रमा तर्जुमा इनशाला तर्जुमा आ, वो तो अल्लाह ही है जिसको जमीन और आसमान की हर चीज तोन व करन सज्दा कर रही है और सब चीजों के साए सुबह शाम उसके आगे झुकते हैं देखिये अब आयत की तरफ आते देखिये इस सूरत में कितना आयत की तरफ आते हैं रात पंद्रह कितना गौर व फिकर हमारी फिक्र को हमारी अकल को इस्तेमाल करना अल्लाह सिखा रहे हैं कि वल्ला तोन व करण और के लिए जमीन और आसमान की सब मखलूक खुशी और नाखुशी से सद्दा करती है तोहन और यन खुशी से या नाखुशी से सब सदा करती हैं और फिर आगे फरमाया म्यूट कर दें जी वीलाम बिलगदूबी वसा और उनके साये भी सुबह शाम तो इसमें अल्लाह ताला की अजमत और कुदरत का बयान है कि हर चीज़ उस पर पर उसका गलबा है हर चीज़ उसके माते है और उसके सामने सद्दा रेज है चाहे ममिनों की तरह खुशी से करें या मशरूकों की तरह ना खुशी से करें तोन कौन करते हैं खुशी से कौन लोग सद्दा करते हैं सभी दुनिया की खुशी से जो है मोमिन करते हैं खुशी से मोमिन सद्दा करते हैं ठीक है और ना खुशी से म्यूट करते हैं और ना खुशी से अपने आप को म्यूट करने से और ना खुशी से मुशरक करते हैं खुशी से मोमिन करते हैं आ, हर चीज उसके माते थे उसके सामने सद्दा रेज है जब तवन और करण आए तो आप कहें कि खुशी से तवन जो है सद्दा मोमिन करते हैं और ना खुशी से करण अः करते हैं जिस तरह मुनाफिक भी आके बैठ जाते थे कलमा तो पढ़ लिया था और सद्दा करते थे ना खुशी से और उनके ताकि लोगों को पता ना चले कि मुनाफिक है और उनके साए भी सुबह शाम सजदा करते हैं साया जो होता है ना दरख्तों का पत्तों का चीजों का आ, वो भी सज्दा करे जैसे दूसरे मुकाम पर फरमाया आयत नंबर फोर्टी एट में अवलम इलाम खल्लाउ मिनशन तफ़ैयिल व शमायली वहम दाखर क्या उन लोगों ने खुदा की मखलूक में से ऐसी चीजें नहीं देखी जिनके साए साए दाए से बाए को और बाए से दाए को लौटते रहते हैं। यानी खुदा के आगे आजिज होकर सदे करते हैं अल्लाह ने जो चीज भी पैदा की दाए और बाएँ से अगर कोई फोन पे भी है तो मुझमांी म्यूट कर दे बहुत डिस्टर्बेंस अल्लाह ने जो चीज़ भी पैदा की उनके साए दाहने और बाएं से अल्लाह को सज्जा करते हुए ढलते हैं और वो आजी करते हैं इस सदे की कैफियत क्या है ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है दूसरा मफहूम इसका यह है कि काफी समेत तमाम मखलूक अल्लाह के हकम के ताबे है किसी में इस इसी उसी से सरताबी की मजाल नहीं अल्लाह ताला किसी को सेहत दे बीमार कर दे गनी कर दे या फ़कीर बना दे जिंदगी दे मौत से हमकनार करे इन तकवीनी एह में किसी काफिर को भी मजाल इनकार नहीं है अल्लाह तवत वाला है तो ये जो है हमें जो है ये सारी चीजें हमसम मुसीबत तो आएंगी जान में माल में फलों में कारोबार में औलाद में तो ये अल्लाह तला की तरफ से बस दुआ कर, करते रहना चाहिए बुरी तकदीर से बचने की तो हम सद्दा कर लेते हैं क्योंकि सद्दे के आते झुक जाए फिर आप लोग बाद में अपने घर भी जाके मतलब घर में घर तो में ही आप लोग इसके बाद सजदा तलावत की दुआ झुक जाए सजदीजी खला कहो वो वो शक्का समो वसर हो तबारक मेरे चेहरे ने इस जात के लिए सद्दा किया जिसने से पैदा किया और उसकी सूरत गरी की और उसके कान और उसकी आंखें बनाई अल्लाह बड़ी बरकतों वाला और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है आप लोग सभी सद्दा भी कर लीजिएगा लेकिन असर में तो कोई सद्दा नहीं होता मगरब में और कोई बात नहीं अभी आप झुक गए तो वो भी इनशाला Allah तो कबूल करने वाले तो ये वतबार, वतबार कर लो आज हमारी एक आयत में भी आया है आया है पहले तो बोले यस न कहाँ आया है वहां मैं कहने ही वाली थी फिर मैंने ये आया है किसी आयत में आज हमारी जी जी, जी कौनसी आयत थी और फिक, आज तो अल्लाह तला ने यह तो सूरत है हमारी फिकर और हमारी कल हमारी सोच को इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह त

जी इस में भी हमने पढ़ा हाँ। सब जगह मिलेगा लेकिन आज की किसी आयत में फतब वो जैसे चाहे इंसान को पैदा करे दस महीने में नौ महीने में सात महीने में आठ महीनों में बदबक है शक्की है सईद है और जो है क्या उम्र होगी कितनी जिंदगी होगी और जैसे चाहे वो अपनी उसकी शक्ल बना दे माँ माँ के में रहम फ़तबार असनखाल तो इसी अल्लाह ताला की कुदरत पे और अल्लाह ताला की क़वत पे अल्लाह ताला की अजमत पे हम कंक्लूड करते हैं स, सुमा, चलें हम कंक्लूड करते हैं इसको हम ख़त्म करते हैं इन सुबहानुबहान रब करब्ज़त अम्मा सफून वसलामसिनदमी रब ना तकबल ना इन्ना का अंत समीअली का अंत रहीम ए हमारे रब हमसे फरमा फ़रमात हुई सुनने वाला और जानने वाला है वाखिर उदावानद्ल रबालमीन सुबह ना बबी हमदी का नश्द नस्तुबिल असलकम वरम्ह बबरक़्ल कबूल फरमाए और ना. कोई बात रखनी हो इन आयत से मुतालिक तो रखें वरना इंशाल्लाह जुम्मे जुम्मे को आपसे मुलाकात होगी ग्रुप जरूर देखा करें क्योंकि मेरे भी एग्जाम और टेस्ट और आ जाते हैं लेकिन कभी इंशाल्लाह नागा नहीं होगा जरूर करेंगे जरूर हमें एक भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए वैसी बहुत हो जाती फिर भी ग्रुप तो आप लोग देखते रहते हैं मुझे पता है आप लोगों को कोई बात रखनी हो आयत के मुतालिक तो रख सकते हैं इंशाल्लाह ये छोटी सूरत है जल्दी हमारी इन तकमील को पहुंच